स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा इसके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, इसकी बात करेंगे कि आपके जो एग्जामिनेशन है सेंट्रल हिंदू स्कूल के कैंसिल कर दिए गए और दूसरी प्रोसीजर से आपके एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाएगा, कैसे आपकी ई लॉटरी माध्यम से एडमिशन होगा और साथ में कैसे आपके मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, क्या होगा उसका प्रोसीजर, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द एडमिशन इन क्लास 6 9th एंड 11th। द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिट गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास 6 क्लास 9th और क्लास 11th इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल ईच ईयर। प्रत्येक साल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ में एडमिट कराए जाते हैं आपके सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में। और यहाँ पे आपके हेल्प डेस्क सेल नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं कि कैसे आपके परसेंटेज बनेंगे, कैसे आपकी मेरिट बनेगी, किस हिसाब से आपके लॉटरी माध्यम से सभी चीज़ें कराई जाएंगी। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की। तो इसमें लिखा गया है कि टू कीप चिल्ड्रेन सेफ ड्यूरिंग द करेंट कोविड-19 पेंडेमिक द बेचू स्कूल बोर्ड हैज डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट सेट 2020। जो आपका सेट 2020 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, वो आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और नए आपके मेथड से एडमिशन प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा रहा है। क्या है पूरी प्रोसीजर उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्लास 6 और 9th का जो होगा आपका एडमिशन प्रोसीजर वो आपका ई लॉटरी माध्यम से होगा। ई लॉटरी माध्यम से कैसे एडमिशन होगा और कैसे आपको लॉगिन करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना है और कैसे आपके नए बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में मित्रों के साथ वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपके पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि एडमिशन ऑफ बेचू एम्प्लॉय वार्ड एप्लीकेंट विल बी कैरिड आउट फर्स्ट। सबसे पहले जो आपके बेचू एम्प्लॉय के आपके बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म आपका बेचू एम्प्लॉय कैटेगरी में या कोटे में फिल किया है, सबसे पहले उनका एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाएगा। देन उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि रिमेनिंग जो सीटें बचती हैं वो आपकी ई लॉटरी माध्यम से आपकी प्रायोरिटी होगी, कैसे आपकी होंगी। इसमें आपके पहले नंबर पर बोला जा रहा है कि फर्स्ट लॉट में आपके 3% जो होंगे आपके पीएच कैटेगरी से होंगे, जिसमें आपके ओएच कैटेगरी होंगे, ऑर्थो कैटेगरी होंगे, जो आपके डिसेबल कैटेगरी से होंगे जिसमें आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे रहेंगे और दिव्यांग बच्चों की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका सेकेंड जो लॉट होगा उसमें आपके एसटी स्टूडेंट को आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो आपके फर्स्ट लॉट में सीटें बचती हैं तो वह आपका रिजर्वेशन जो एससी बच्चों की बात की जा रही है उनको दिया जाएगा। देन उसके बाद जो आपकी फर्स्ट लॉट में सीटों की संख्या रिमेनिंग रहती है वो आपके एससी रिजर्व कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। और यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है एसटी एससी सीट विल बी फिलेड ओनली आफ्टर इंटरचेंजिंग द सीट एज पर द एप्लीबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। वैकेंट एससी सीट कैन बी फिलेड बाई एसटी एप्लीकेंट एंड वाइस वर्सा। अगर सीटों की संख्या खाली रहती है तो एससी का एसटी में और एससी का एससी में फिल हो सकता है। और थर्ड पॉइंट पे इसमें बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट लॉट एंड रिमेनिंग सीट रिजर्व फ्रॉम ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट विल बी अलॉटेड। और आपके थर्ड लॉट की बात की जा रही है कि जो आपके सेकेंड लॉट में सीटों की संख्या बचती है तो जो आपके अनरिजर्व एप्लीकेंट हैं उनको आपको अलॉट किया जाएगा, जो आपके जनरल स्टूडेंट हैं उनकी बात की जा रही है। और वेटिंग लिस्ट आपके सभी लॉट में रहेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बात कर लेते हैं क्लास 10th के बेसिस पे जो आपके क्लास 11th में एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके मेरिट जो होंगी क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपके एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाएगा। पहले नंबर पर बात करें अगर आपके परसेंटेज की कि किस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, जितना आपने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किया है और कितने में से आपने ऑब्टेन किया, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट में रहा, इनटू में 100,
जो आपका 100 करने पर जो भी आपका परसेंटेज आता है, आपका परसेंटेज मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जितना आपका ओवरऑल परसेंटेज आता है और टोटल नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, जो आपका पॉइंट बनता है उसी हिसाब से आपके कराए जाएंगे। सपोज कीजिए कि दो बच्चों का आपका सेम आपका परसेंटेज आता है, जो ऊपर आपका बताया गया है रूल उसके हिसाब से अगर आपके सेम आते हैं तो टेबल नंबर 1 के हिसाब से आपके एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाएगा। या टेबल नंबर क्या है 1 इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करें तो मैथमेटिक्स में जितना नंबर आपका परसेंट ज़्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो जो साइंस में अच्छा मार्क्स गेन किए बच्चे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और कॉमर्स की बात करें तो जो आपका हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी और मैथमेटिक्स में ओवरऑल परसेंटेज को आपका उसका जो है मीन निकाला जाएगा, जो भी आपके आएंगे उसका आप बोल सकते हैं कि टेबल नंबर 1 के हिसाब से फुलफिल कराया जाएगा। और लास्ट वन इसमें आपके आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी आप बोल सकते हैं, आपके सोशल साइंस की बात की जा रही है कि जो भी आपके अगर आपके परसेंटेज सेम आते हैं तो टेबल नंबर 1 के हिसाब से फिर आपके उसमें से चूज किया जाएगा कि जिनका आपका मार्क्स इसमें अधिक रहता है उस हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो आपके परसेंटेज मार्क्स होंगे वह 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट किए जाएंगे। और अगर आपका टेबल 1 में भी आपके सिमिलर बच्चों का, दो बच्चों का सेम आपके परसेंटेज और सेम सभी चीज़ें मैच करती हैं तो टेबल नंबर 2 के हिसाब से उसको फिर से प्रायोरिटी दी जाएगी। टेबल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, टेबल नंबर 2 में यह बोला जा रहा है कि जो आपके मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनका आपको मैथमेटिक्स और साइंस का परसेंट का एवरेज निकाला जाएगा। और साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो साइंस और मैथमेटिक्स का परसेंटेज निकाला जाएगा। कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो सोशल साइंस और प्लस में आपके मैथमेटिक्स प्लस साइंस का परसेंटेज निकाला जाएगा। और आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो आपके SST हो गए, सोशल साइंस हो गए, और कोई आपके लैंग्वेज ग्रुप से जो आपके हिंदी इंग्लिश या कोई आपके लैंग्वेज है उसका आपको परसेंटेज निकाला जाएगा। और ये हैच जो यहाँ पे दिख रहा है, हैच टैग यहाँ पे दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका परसेंटेज मार्क्स जो होगा वो आपके 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की कि अगर दोनों बच्चों का आपका परसेंटेज सेम आता है अगर टेबल नंबर 2 के बाद भी तो जिसका आपका एज लिमिट ज़्यादा रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिजर्व 27% सीट इन ऑल फ्रेश एडमिशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर। इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर में जो आपके OBC के बच्चे आते हैं उनको आपको 27% रिजर्वेशन मिलेगा जो आपके फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और 15% आपके SC और 7.5% आपके ST बच्चों को मिलेगा या आपका आरक्षण मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन द एबव चेंजेज द एडमिशन पोर्टल विल बी ओपन फॉर द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी। सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए फ्रेश आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है वो अभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी, अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू अपडेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एस गिवन बिलो। जिन्होंने पहले से फॉर्म को अप्लाई किया सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनको अब क्या करना है, सपोज कीजिए कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जनरल में फॉर्म को अप्लाई किया है तो यह चेंजेज आप कर सकते हैं। और साथ में आपकी क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए मार्कशीट अपलोड करने के लिए भी अपडेशन प्रोसेस कराए जाएंगे, जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं अपने मार्क्स आपके क्लास 10th के अपलोड करना पड़ेगा। और 6वें पॉइंट में इसमें बोला जा रहा है कि जो बच्चे चाहते हैं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस लेना वो एप्लीकेशन फॉर्म को वापस ले सकते हैं, और उनका जो फीस होगा जिस अकाउंट से आपका कटा है उसमें आपके फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। जहाँ से आपने फॉर्म को फिलअप कराया है उनके अकाउंट में आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, और एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म होगा OBC कैंडिडेट को वो जनरल स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और उसकी जो कॉस्ट है आपकी 400 रुपये रखी गई है, 400 रुपीस रखी गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके OBC क्लास के बच्चे हैं जो आपके नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनका OBC सर्टिफिकेट किस हिसाब से हो। अब हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट की, तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट से होना चाहिए, और साथ में आपके 6 महीने से ज़्यादा आपके पुराने नहीं होने चाहिए। द सर्टिफिकेट शुड बी
नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि 6 मंथ से ज़्यादा आपके पुराने नहीं होने चाहिए। सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं अलग अलग कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, ये डिटेल में सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से सभी चीज़ों को लिया गया उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे भी विजिट करने के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिए, जल्दी आंसर और साथ में रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय।